केंद्र सरकार में या प्रतिपक्ष में नहीं करें, लेकिन आपके सामने समस्या हो गई। आप बोरा जी की बात सही माने या अशोक लाहौट जी की बात सही माने, एक तरफ बोरा जी कह रहे हैं कि खाना नहीं मिल रहा, एक तरफ अशोक लाहौट जी कहते हैं 750 रुपए की थाली आप दे रहे हो। ये बहुत गहरी समस्या आपके सामने कि किसकी बात माने किसकी नहीं माने। लेकिन मैं माननीय जो प्रतिपक्ष के सारे नेता है उनसे आग्रह करना चाहता हूं, वो जनता को ये तो बताएं कि उन्होंने केंद्र से क्या मांगा राजस्थान की जनता के लिए। हमको टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते, वो 1 रुपया मांगेंगे हम उसमें भी खुश हैं, लेकिन कुछ मांग के बताए तो सही, लाके लेके आए। ये आपकी हमारी सबकी जिम्मेदारी है, माननीय प्रतिपक्ष नेताओं की भी जिम्मेदारी है। आपने केंद्र से लॉकडाउन के लिए आग्रह किया था कि स्वायत्तता देनी चाहिए राज्यों को, अगर शुरू से यह स्वायत्तता दी जाती तो माननीय मुख्यमंत्री जी जो श्रमिकों के हालात जिससे हम सब सारे लोग चाहे वो पक्ष के हों प्रतिपक्ष के हों सारे लोग आहत हैं, हम शायद उस स्थिति को नियंत्रित कर पाते। मैं आपका इस बात के लिए भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने पास की जो व्यवस्था जो नए शुरू की है और आपने लॉकडाउन में जो खुला छोड़ा है, इससे लोगों में आत्मविश्वास बढ़ा है, निराशा के बादल छटने लगे हैं। कल से ही लोगों को ऐसे लगने लगा कि हाँ अब आसमान खुला है। आपने अफसरशाही से इतर जाके ये जो पहल की है इसके लिए भी आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। कुछ सुझाव मैं स्पष्ट बहुत पिन पॉइंटेड देना चाहता हूं। आपने अपने पिछले कार्यकाल में ग्रामीण राजा मेरे आपने अपने पिछले कार्यकाल में 9-10 रुपए किलो फोर्टिफाइड आटे की योजना बनाई सब ग्रीन कर दी। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि इस तरीके की योजना जैसी फोर्टिफाइड आटे की थी, आवश्यक वस्तुओं के लिए आटा तेल दूध इन सब चीजों के लिए इस तरीके की योजना बननी चाहिए। खाद्य सुरक्षा का जो वर्तमान जो आधार है वो 2011 की जनसंख्या है। आप केंद्र से आग्रह करें कि इसको वर्तमान जनसंख्या के आधार पर करें, इससे हमारे लोगों को राजस्थान के लोगों को फायदा होगा। मैं आपसे ये भी आग्रह करना चाहता हूं कि जिन लोगों के पास राशन कार्ड है लेकिन खाद्य सुरक्षा से नहीं जुड़े हुए हैं उनको इस कोरोना वायरस के समय में कम से कम 10 किलो या 15 किलो गेहूं एक बार निःशुल्क आप उपलब्ध कराने की कृपा करें। मैं ये भी आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि जो छोटे रोजगार चाहे वो हेयर सैलून वाले हो, चाहे जूते का काम करने वाले हो, चाहे पान की दुकान हो, इन लोगों को कोई प्रोत्साहन राशि आपको इनके रोजगार के हिसाब से देनी चाहिए, क्योंकि ये लंबे समय से बंद है और आगे भी इनके खुलने की संभावना थोड़ी मुश्किल है। वित्तीय मैं विधायक कोष के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि विधायक कोष का जो पैसा नए वित्तीय वर्ष का है इसमें से भी सूखे राशन की जरूरत अभी आगे तक पड़ेगी, इसमें 50% तक विधायकों को छूट दी जानी चाहिए कि वो सूखे राशन के बारे में भी खर्च कर सके। जो दुकानें लंबे समय से बंद पड़ी हैं, उनको एक बार खोलने की परमिशन होनी चाहिए। कोई सामान खराब हो रहा है, कोई दुकान बंद पड़ी है, अंदर ऐसी स्थिति नहीं हो जाए तो कोई अनचाही स्थिति हो जाए, चीजें सड़ेंगी, सामान खराब होगा तो भी आगे चलकर परेशानी ज्यादा बड़ी होगी। मैं मंडी हड़ताल की तरफ भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मंडी में जो व्यापारी हैं उनकी बात सुनकर कोई इसका हल निकाला जाना चाहिए कि वो जो बात कह रहे हैं अगर वो सही है तो उस पर अमल करना चाहिए, अगर वो सही नहीं है तो उनको समझाइश करके इस हड़ताल को तोड़वाया जाना चाहिए। इस वक्त में हड़ताल होना एक अरुचिपूर्ण स्थिति है। मैं संपर्क पोर्टल के बारे में भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। संपर्क पोर्टल को लोगों ने अपने राजनीति का जरिया बना लिया है। एक आदमी रहता है एक विधानसभा क्षेत्र में है, दूसरे विधानसभा क्षेत्र की 700 की 800 की 1000 लोगों की सूची भेज रहा है कि लोगों को राशन नहीं मिल रहा। मेरा आग्रह है कि संपर्क पोर्टल को व्यक्तिगत शिकायत को ही एंटरटेन करना चाहिए, सार्वजनिक शिकायतों का आधार की शिकायत वो किसी और माध्यम से कर सकता है। आपने रात्रिकालीन कर्फ्यू जो है 7 से शाम को 7 बजे से और सुबह 7 बजे का किया है, 7 बजे 8 बजे 9 बजे तब तक तो हम लोग खाना ही पहुंचाते रहते हैं जो खाने के पैकेट हैं, तो ये जो 7 बजे का समय है इसके बारे में विचार करना चाहिए। वैसे भी रात को कोई निकल नहीं रहा, मैंने भी एक बार निकलकर मैंने परसों ही रात को देखा लोग बात इतने एक तरीके से कहना चाहिए इस कोरोना वायरस को लेकर सचेत हैं कि वो रात को निकल नहीं रहे हैं। एक समस्या जब आज अखबारों में आई है आपको पता है, सभी लोगों को पता है, एक एक मकान में 150-200 किराएदार है। हमको म्युनिसिपल नियमों में परिवर्तन करके इस बारे में विचार करना चाहिए, क्योंकि इस तरीके के संकट में एक मकान में या आबादी में जो घनत्व है आबादी का वो घनत्व इससे बचाव में बाधक बन रहा है। तो नए म्युनिसिपल जो नियमों के बारे में विचार करना चाहिए, अफोर्डेबल हाउसिंग इसकी अफोर्डेबल हाउस बनाने चाहिए, लोगों को रोजगार मिलेगा और एक आबादी का घनत्व भी कम होगा। और साथ में मॉल वाली आज मॉल में नहीं जा सकता,
बड़े धन्यवाद धन्यवाद आपका भी। अब दो तीन और धन्यवाद, दो तीन और कह रहा हूँ, ये काम चलेगा भाई, दो तीन और यहाँ पे 12 बज जाएंगे। कमर्शियल मॉल के बारे में सोचना चाहिए, जो हमारे जयपुर के जो लोग हैं उनका मैं धन्यवाद भी ज्ञापित करना चाहता हूँ, और साथ में एक मैं आपको निवेदन यह और करना चाहता हूँ कि गरीब लोगों को, श्रमिकों को, इनको इनकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए विटामिन की गोलियां निःशुल्क दी जानी चाहिए। हमारे RDPL जैसी कुछ कंपनियां बंद पड़ी हैं जो इस काम में आगे आएंगी, उनको आप चालू करेंगे तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा, सस्ती दवाएं भी मिलेंगी। और एक ऐसा प्रकोष्ठ बनाया जाना चाहिए जो इस बात पे विचार करे कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से के इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए, संक्रमण को खत्म करने के लिए किस तरीके के मशीनों का उपयोग हो रहा है। कोरिया में मशीनें आ रही हैं, मोबाइल को अभी हम सैनिटाइज करते हैं, सैनिटाइजर लगाते हैं, कोई अपने दूसरी चीजों को पानी से धोता है, लेजर से भी इसका ये इसको डिसइंफेक्टेड किया जा रहा है। तो और एक और दो सुझाव और हैं, एक तो विभिन्न थानों में व्हीकल्स पड़े हैं जो खराब हो रहे हैं, लंबे समय से व्हीकल्स पड़े हैं, इनको छुड़ाने के लिए आपको माननीय हाईकोर्ट से बात करके कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए कि व्हीकल छूटे, नहीं तो पड़े पड़े कंडम हो जाएंगे, लोगों का नुकसान होगा, राष्ट्रीय नुकसान होगा। और बिजली पानी के जो बिल स्थगित होने चाहिए, इसके लिए केंद्र से बिना ब्याज का पैसा मांगा के लिए रिक्वेस्ट की जानी चाहिए, इनके बिल स्थगित करके जब इनके बिल का पेमेंट आएगा तो आप केंद्र को चुका दें। बहुत मुश्किल हो रही है लोगों के सामने 18 धन्यवाद।